Bismillahirrahmanirrahim. In our last lecture, we have detailed discussed about planning and types of planning. We have discussed what are strategic planning, we have discussed what are tactical planning. Today we are going to start from operational planning. Operational planning, these plans are least complex than strategic and tactical planning and rarely have a direct effect on other plans outside of the department or unit for which the plans was developed. ये जो हमने टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हमने देखा था कि वो फॉर लॉन्ग टर्म थी, टैक्टिकल प्लानिंग क्या थी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ट्रांसलेट करती थी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट या सिंगल बिजनेस ऑफ द कॉरपोरेशन के लिए जो है वो उसको सेग्रीगेट करती थी। ये जो प्लानिंग होती है ऑपरेशनल, नाम से ही जाहिर है कि ऑपरेशनल प्लानिंग है कि आपने जो कौन कौन से ऑपरेशन किस टाइम में करने। फॉर एग्जाम्पल के इफ़ यू आर मेकिंग अ प्लान टू इंक्रीज योर सेल्स इन कमिंग 6 मंथ और 3 मंथ और 1 ईयर, व्हाट यू विल डू, आप अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपने सेल्स को और अपने ऑपरेशनल्स को इंटीग्रेट करेंगे और प्रॉपर तौर पर प्लान करके आप उसको जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके अलावा कि इसका जो रेयरली डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट या आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके लिए वो प्लान बनाया जाता है, तो ऑपरेशनल प्लान बेसिकली प्लानिंग होती है आपके ऑपरेशन से। आइदर यू आर प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज हेल्थ केयर और यू आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स फॉर द पीपल, किसी भी तरीके की सर्विस हो या प्रोडक्ट हो उसके लिए जो भी आप प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। इसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं कि आपने किस तरीके से अपने ऑपरेशन को बेहतर बनाना है और किस तरीके से उससे अपनी इनकम को या प्रोडक्टिविटी को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग is of a strategic nature and involves long period, say 3 to 5 years. The long term plans usually encompass all the functional areas of the business and are affected within the existing and long term framework of economic, social and technological factor. लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरह ही होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 3 माह से लेकर 5 साल के लिए हम इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप इंडिविजुअल प्लानिंग की देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन करनी है, आप यू आर मेकिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, और अगर इफ यू आर डूइंग सम जॉब यू आर मेकिंग अ प्लान टू सेव योर मनी आफ्टर योर रिटायरमेंट, दैट इज योर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सेम लाइक अगर आप इफ यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और समथिंग एल्स, तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि अगले आने वाले वक्त 3 सालों के, ये 3 से 5 सालों के अंदर आप किस के कैसे आप अपनी सर्विसेज को, ये प्रोडक्ट को आप इम्प्रूव करेंगे, कहाँ कहाँ पर आप अपनी आउटरीच को बढ़ाएंगे, अपने आउटलेट्स को कहाँ कहाँ पर लेकर जाएंगे, अपनी जो सेल्स और इनकम की जो ग्रोथ है उसको आप क्या करेंगे, आप अपने हॉस्पिटल्स में या अपने हेल्थ केयर जो सेंटर्स जो आपने बनाए हैं उसमें आप किस तरह जो है वो मजीद जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वहाँ पर अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएंगे। जैसे मैंने काइजन की एग्जांपल आपको दी थी कि वो काइजन क्या करते हैं जापानीज़ के, वो अपने तमाम गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको अचीव करते हैं। इससे क्या होता है कि उनको वो बर्डनाइज भी नहीं होते और एकदम जंप भी नहीं करते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो तमाम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को और जो है प्लानिंग को वो अचीव कर लेते हैं। इसी तरीके से कि ये प्लानिंग भी जो नेचर वाइज स्ट्रेटजिक कितना ही होती है, लॉन्ग टर्म होती है, जो हमने उसमें रहते हुए अपने जो भी इकोनॉमिक या सोशल फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमने सोचा वो होता है कि आने वाले वक्तों के अंदर हमने जो है वो अपने बिजनेस को उसे बेहतर बनाना है, उसके मुताबिक फिर हम इसकी प्लानिंग को कर रहे होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन है तो पूछो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज यूजुअली अ प्लान मेड फॉर 1 ईयर, दीज आर एम्ड एट सस्टेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। दीज प्लान डायरेक्टली इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। देखिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग से जैसे नाम से जाहिर है कि यू आर मेकिंग अ प्लान फॉर 1 वीक, फॉर 1 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, मतलब यू आर मेकिंग प्लान फॉर शॉर्ट टाइम।
let's suppose you have to improve your marketing department. You are giving a plan to them कि आपने marketing के जरिए हमारी जो है वो sales को जो है वो support करना है, और आपके पास ये आप ये 1 month का या 1 week का आपके पास time frame है और ये team है, इस team के साथ आप काम करें। और इसी तरह productions के अंदर कि आप what you are making a plan कि आप कितने कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है अपनी कॉस्ट को बचाते हुए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आप देते हैं, और जो भी क्लाइंट से या कस्टमर से कोई भी आपको अगर वो आ रहा है ऑर्डर आ रहा है और आप उसको किस तरह टाइम में जो है मुकम्मल कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग बेसिकली क्या है कि वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, मतलब उसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म प्लानिंग के जरिए सस्टेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से, जो आप एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो हैज मार्केट के अंदर जो है वो आप अपने सेल्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। अब इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ यूर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज यू हैव अ प्लान टू कम्प्लीट यूर आयुष एंड अग्रोश कोर्स, तो ये आपका प्लान हो सकता है कि जी मैं जैसे ही मुकम्मल करूँगी तो मैं इतने 1 माह में 3 माह में या 6 दिन के अंदर ही मैं ये कोर्स भी कर लूँगी ताकि मेरी जब मैं इंडस्ट्री में कहीं अप्लाई करूँ हेल्थ इंडस्ट्रीज के अंदर तो मुझे अच्छी जॉब मुझे मिल जाए, वो फीमेल करे या मेल करे, मतलब इस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ हाई का पूछो, कोई क्वेश्चन है तो स्टैंडिंग प्लान्स आर पुट यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वन एस्टेब्लिश दे कंटिन्यू टू अप्लाई अंटिल दे आर मॉडिफाइड और अमेंडेड। स्टैंडिंग प्लान हेल्प मैनेजर इन डीलिंग विद रूटीन मैटर्स इन अ प्री डिटर्मिनेंट डिटरमाइन एंड कंसिस्टेंट मैनर। ये एक लिख लें अपने पास, जितनी भी स्ट्रेटजीज पॉलिसीज प्रोसीजर्स और रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है मिशंस बनाती है वो तमाम के तमाम स्टैंडिंग प्लान्स की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है कि मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पर आप ये कोई इक्विपमेंट या टूल्स बनाते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो वो कौन से उन्होंने आपको पॉलिसीज दी हैं जिसमें रहते हुए आपने ये काम करना है, कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये तमाम के तमाम स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आ जाते हैं। अब स्टैंडिंग प्लान्स बार बार यूज होते हैं क्योंकि जाहिर बात है आपने कोई काम को मुकम्मल करना है तो आपने उसको गो थ्रू करना होता है उस वक्त तक जब तक इसको कोई मॉडिफाई ना हो या इसको खत्म ना कर दिया जाए। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किसकी हेल्प करते हैं, मैनेजर्स की, जब उनको रूटीन मैटर्स को समझना होता है और उनको कंसिस्टेंट मैनर्स में डील करना होता है। इसमें पब्लिक डीलिंग्स हैं, कोई ऑर्डर्स के हवाले से मैटर्स हैं, कोई सर्विस प्रोविजंस के हवाले से काम है, ये तमाम के तमाम कोई किसी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस की मॉडिफिकेशन हैं या कुछ कोई भी अमेंडमेंट्स हैं वो ये तमाम के तमाम उन्होंने करनी होती है। इसलिए दे पीपल मैनेजर्स यूज द स्टैंडिंग प्लान टू हैंडल रूटीन वर्क इन अ प्रीडिटर्मिनेंट एंड कंसिस्टेंट मैनर। एनी क्वेश्चन हियर? सर आ रही है समझ? तैयब अशरफ, ये जीशान, चलें सिंगल यूज प्लान पर आ जाएं। सिंगल यूज प्लान आर रेलिवेंट फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड अगेन फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सिंगल यूज प्लान की कौन कौन सी एग्जांपल्स जो जहन में रखते हुए आप इसको समझ सकते हैं, कोई आप बजट के हवाले से आप काम कर रहे हैं, कोई टारगेट्स हैं आपके, कोई प्रोजेक्ट्स पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली यू आर यूजिंग सिंगल यूज प्लान। ठीक है, ये स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है, अगर वक्त गुजर जाए तो फिर अब वो उसको दोबारा जो है ना वो आपको फॉर्मुलेट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आपको फिस्कल ईयर में बजट मिल गया, आपने यू हैव यूटिलाइज दैट बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना, आपने यू हैव टू परचेज द बेड्स फॉर द पेशेंट्स, यू हैव टू प्रोवाइड द मिसिंग फैसिलिटी टू द हॉस्पिटल, यू हैव टू अरेंज सम एम्बुलेंस फॉर द हॉस्पिटल, या यू हैव टू परचेज सम मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, यू नीड टू बाय सम व्हील चेयर फॉर द पेशेंट, मतलब कुछ भी आपको करना था
उस टाइम फ्रेम के अंदर, बट क्या किया आपने उसको टाइम को लैप्स कर दिया और फिर अब क्या होगा कि आपको दोबारा उसको फॉर्मुलेट रीअप्रोप्रिएट नेक्स्ट में काम करना पड़ेगा, वो अब दोबारा आपके लिए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए थे, वो टाइम खत्म हो गया। ठीक है, सिंगल यूज प्लान्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड डील विद प्रॉब्लम्स दैट प्रोबेबली विल नॉट बी रिपीटेड इन द सेम फॉर्म इन फ्यूचर। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल यूज प्लान जैसे कि नाम से नॉन रिकरिंग होता है नेचर के वाले से, मतलब बार बार इसको ये यूज नहीं हो सकता कि जिस तरह हमने पिछला प्लान को हमने यूज किया। और ये डील विद प्रॉब्लम्स विद प्रोबेबली विल नॉट बी रिपीटेड, ऐसी प्रॉब्लम्स डील करता है जो बार बार जो है सेम वे में फ्यूचर में आपके सामने नहीं आते हैं। तो आप इसके जरिए क्या करते हो कि आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहे होते हो और उसको उसके मुताबिक चला रहे होते हो, बजट के मुताबिक अपनी चीज़ें चला रहे होते हो, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं उस टारगेट्स को देखते हुए आपने चला रहे होते हो। लेकिन जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट स्पेसिफाइड पीरियड फिर आप दोबारा उसको, जब तक वो मैंने आपको बताया कि दोबारा फॉर्मुलेट ना हो उस वक्त तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जी बताएं, एनी क्वेश्चन हियर? अब देख लेंगे हम इसका कंपैरिजन देख लेते हैं स्टैंडिंग का और सिंगल यूज का ना। स्टैंडिंग प्लान्स में क्या आ रहा है, सिंगल यूज प्लान्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। स्टैंडिंग प्लान्स में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, हम बात करते हैं पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज की, हम बात करते हैं प्रोसीजर्स की, मेथड्स की एंड रूल्स की। ये बिल्कुल क्लियर, अब आपको स्टैंडिंग प्लान्स का क्लियर हो जाना चाहिए। और व्हाट वी आर डूइंग इन सिंगल यूज प्लान्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बजट्स। ठीक है, तो जब भी अगर आपसे आप कहीं ये कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप लिखते हैं तो आपको पता हो सिंगल यूज प्लान्स में आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आप क्या कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्लान्स, प्लान्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। आप किसी भी एक काम के लिए, आप अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने के लिए, आप अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए, या फिर आप अपने उसके बायर और सेलर्स और कस्टमर्स के रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली आपको डिफाइन करना पड़ता है ये स्पेसिफिक है इसी काम के लिए। उसमें फिर कोई और चीज़ जो है वो उसके इंटरप्रिटेशन नहीं होती, वो बिल्कुल क्लियर होती है, उस क्लियरली डिफाइन किया जाता है, कोई उसमें रूम नहीं होता जिसमें आप कुछ और इंटरप्रिटेशन कर सकें। स्पेसिफिक होता है किसी भी टॉपिक के लिए। ठीक है, आप अपने रेलिवेंट बायोमेडिकल में देख लें, अगर आपको ये अपनी डिग्री के बाद कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं स्पेसिफिक उसी के लिए होगा, तो वो किसी और चीज पर अप्लाई नहीं हो सकता। डायरेक्शनल प्लान क्या होंगे, फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस, प्रोवाइड फोकस येट अलाउड डिस्क्रिप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, ये डायरेक्शनल प्लान्स होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, जो हम जनरल गाइडलाइंस जिस तरह हम देते हैं या कोई हमारा हम फोकस के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है, जब हम कब कर रहे होते हैं, जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये डायरेक्शन प्लान आर मोर फ्लेक्सीबल एज कम्पेयर अदर स्ट्रेटजीज और प्लान विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। So whenever you someone ask what are the direction plans, so you can say these are the general guidelines. Provide focus. आपको focus provide करती है कि आपने ऐसे काम करना है, ऐसे चलना है, इसको अपनी productions को ऐसे लेके चलना है, अपनी services को ऐसे लेके चलना है, अपने काम को ऐसे लेके चलना है। तो then जब आप इस तरीके से प्रूव करते हो तो फिर क्या होता है कि आप उसको अपना focus नहीं तोड़ते और आप directions के साथ टाइमली जो है वो अपनी चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। जब हम अपने फोकस को तोड़ते हैं या छोड़ते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी मंजिल को बेसिकली दूर कर रहे होते हैं या अपने आप को उस मंजिल से पीछे हटा रहे होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछूंगा।